Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a bullet of mass 20 gram moving horizontally at a speed of 300 meter per second is fired into a wooden block of mass 500 gram suspended by a long string. The bullet crosses the block and emerges on the other side if the center of mass of the block rises through a height of 20 centimeter. Find the speed of the bullet as it emerges from the block. Fine. So इस तरह से हमें एक bullet दे रखा है. Of mass 0.02 kilogram initially it was moving with a speed of 300 meter per second. Now एक block है इस तरह से जिसे हमने hang करके रखा हुआ है by a long string. Mass of the block is given 0.5 kilogram. Initially आपका जो block था वो rest में था. Now what will happen? There will be collision between the bullet and the block, right? And ये जो bullet है इस block को cross करके आगे निकल जाएगी. With some speed, right? हमें speed नहीं दे रखा है, collision के बाद speed नहीं दे रखा है, so हमें assume करना पड़ेगा. And ये जो block है, इसका भी कुछ speed आ जाएगा horizontal direction में after collision. So let me assume the speed of the bullet in horizontal direction, that is v1. और ये जो block है, इसका horizontal speed हम v2 assume कर लेते हैं, right? So आप देखो कि further ये दे रखा है कि ये जो block है, ये height attain कर रहा है 20 centimeter का, और फिर rest में आ जा रहा है. By the way, इसका motion किस तरह से होगा इस wooden block का? आप देखो इसे हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके रखा हुआ है. ऊपर का एंड फिक्स होगा स्ट्रिंग का और नीचे के एंड में आपका ब्लॉक है. नाउ अगर इस ब्लॉक को कोई हॉरिजॉन्टल स्पीड मिलेगा देन इट विल मूव इन अ वर्टिकल सर्कल. इस तरह से वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा और एक हाइट अटेन करने के बाद दैट इज गिवन 0.2 मीटर की हाइट अटेन करने के बाद आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ जाएगा. सो देखो v2 निकालना काफ़ी आसान है. किस तरह से? जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक. इस ब्लॉक में नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा कैपिटल एम जी और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा और ये इस तरह से वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और यहाँ पे जाके रेस्ट में आ जा रहा है. ये जो हाइट दे रखा है ये 0.2 मीटर दे रखा है. फाइन. सो इफ आई से कि आई वांट टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन दिस ब्लॉक. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम? इट सेज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय वेट, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. नाउ वर्क डन बाय टेंशन विल बी जीरो. वाई? बिकॉज टेंशन विल बी इन रेडियल डायरेक्शन एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस ब्लॉक का वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, राइट? सो टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 होगा. सो वर्क डन बाय टेंशन विल बी जीरो. वट इज वर्क डन बाय एम जी? एम जी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. सो वर्क डन बाय एम जी विल बी माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, राइट? दैट इज इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो आप एक काम करो, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखो, राइट? So what is this? Change in mechanical energy of the block is equal to zero, right? Fine. Anyway, आप ये equation देखो. What is delta UG? Change in gravitational potential energy, that is mg delta H, right? Plus change in kinetic energy, k final minus k initial, that is equal to zero. Now final kinetic energy तो zero है. Finally आपका जो block है वो rest में आ गया ना, zero. ये मेरा final condition है और ये initial condition है, right? जहाँ से ब्लॉक ने स्टार्ट किया था दैट वाज इनिशियल कंडीशन और जब फाइनली रेस्ट में आ गया दैट इज माय फाइनल केस. सो एम का वैल्यू 0.5 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं. डेल्टा एच कितना हाइट अटेन किया इसने? 0.2. सो 0.2 दैट इज इक्वल टू के इनिशियल. हाफ ऑफ एम इज अगेन 0.5 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. के लिए इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए. इनिशियली हमने क्या एज्यूम किया था कि जो ब्लॉक है वो v2 से मूव करने लगा आफ्टर कॉलिजन, राइट? सो इनिशियल जो स्पीड था ब्लॉक का दैट वाज v2. सो v2 स्क्वायर. सो चेक करो 0.5 तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है और ये 2 उस तरफ जाएगा. सो ये 4 हो जाएगा और रूट ऑफ 4 दैट इज़ योर v2. सो v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. फाइन. सो आप देखो, अब v1 निकालना काफ़ी सिंपल हो गया है बिकॉज अब हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे. इनिशियली बुलेट वॉज मूविंग विथ 300 मीटर पर सेकेंड और बुलेट का मास 0.02 किलोग्राम दे रखा है. फाइनल कंडीशन में क्या हुआ? कोलिजन के बाद आपका जो ब्लॉक है उसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ द ब्लॉक इज 0.5 किलोग्राम और जो बुलेट है उसका स्पीड हमने v1 एज्यूम किया था ना. और मास ऑफ द बुलेट विल रिमेन सेम 0.02 किलोग्राम. फाइन. क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? ऑफकोर्स. आपको सिस्टम लेना है क्या? बुलेट प्लस ब्लॉक, ये मेरा सिस्टम है. सो इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इनिशियली सिर्फ बुलेट मूव कर रहा था, ब्लॉक तो आपका रेस्ट में था. सो इनिशियल मोमेंटम विल बी 0.02 × 300. दिस वॉज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दैट विल बी योर फाइनल मोमेंटम. नाउ फाइनल मोमेंटम में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा. ब्लॉक का कितना है?
मास ऑफ द ब्लॉक इंटू स्पीड ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द बुलेट इंटू स्पीड ऑफ द बुलेट वी वन, राइट। सो यहाँ से सॉल्व करो कितना आ रहा है, 6 हो गया, दैट इज़ 1 + 0.02 इंटू वी वन। सो वी वन कितना आ रहा है, 5 / 0.02, दैट इज़ 250 मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, सो सेम अगर मैं कुछ वेरिएशंस की बात करूँ, सो टेंशन का हम यू नो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन अगर आप टेंशन निकाल पाओ दैट विल बी द बेस्ट, राइट। सो इनिशियल तो वेरी सिंपल है, जब कॉलिजन नहीं हुआ था तब कितना टेंशन था इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा दैट इज़ द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज़ 0.5 इंटू जी, सो 5 न्यूटन का टेंशन था। आफ्टर कोलिजन क्या हम टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद ये जो ब्लॉक है ये मूव करने लगा 2 मीटर पर सेकेंड से। सो टेंशन कैसे निकालोगे, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ इसका वेट, दैट इज़ 5, राइट 5। सो और ये एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है, दैट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इन रेडियल डायरेक्शन, दैट इज दैट विल बी T-5, है ना, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर दैट विल बी योर सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एम इंटू वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय आर। नाउ आर क्या होगा, आर विल बी द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, अगर वो टेंशन पूछता है आफ्टर कोलिजन देन ही विल प्रोवाइड यू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी यूअर रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पुट कर देना और फिर यहाँ से टेंशन निकाल लेना। सो इस तरह के कुछ वेरिएशंस वो आपसे पूछ सकता है। एनीवे आई थिंक इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।